ऐसा एक पल होता है जब कोई हमारी आंखों में संसार का सबसे सुंदर स्त्री या पुरुष बन जाता है। केवल उनका सकारात्मक पहलू और ताकत ही दिखाई देता है और चाहे कुछ भी हो वे सब सुंदर लगते हैं। ऐसा उन स्त्री और पुरुष के साथ होता है जो प्रेम में पड़ते हैं और ये कहा जाता है कि वो प्रेम में अंधे बन जाते हैं। मनोविज्ञान में इस घटना को गुलाबी लेंस प्रभाव कहा जाता है। जब आप प्रेम में पड़ते हैं आपको अधिक आनंद और खुशी का एहसास होता है। स्वाभाविक रूप से आपके चेहरे पर जीवंतता और अधिक मुस्कान होती है। यहाँ तक कि आप उन मामलों के प्रति भी उदार हो जाएंगे जिनसे आप आमतौर पर नाराज या चिढ़ते हैं, क्योंकि आपका मन हमेशा अच्छा रहता है। जैसे आप गुलाबी चश्मा पहनते हैं वैसे ही सारा संसार सुंदर और चमकदार गुलाबी रंग का बन जाता है। प्रेम करने वाले व्यक्ति को क्या बदल देता है? उसका रहस्य फेनाइलेथैलामाइन कहे जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर में निहित है। ये पदार्थ डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन आदि जैसे हार्मोन के उत्सर्जन को बढ़ावा देता है जो खुशी और आनंद की भावना उत्पन्न करता है। इस तरह प्रेम अंधा बन जाता है। लेकिन गुलाबी लेंस प्रभाव ज्यादा से ज्यादा केवल 3 साल ही रहता है। हमारा शरीर फेनाइलेथैलामाइन के प्रति सहनशील हो जाता है और अब इसका कोई नाटकीय प्रभाव नहीं रह जाता। समय के साथ साथ आपको धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति की कमजोरी दिखाई देने लगती है और जिसे आप दूसरे व्यक्ति की मजबूत बातें समझते थे वो नुकसान की तरह लगने लगती है। वास्तव में दूसरा व्यक्ति वही है जो वो था, लेकिन आपका मन बदल गया है। दूसरे शब्दों में आपका प्रेम ठंडा हो जाता है। तब क्या इस गुलाबी लेंस की भावना को कभी ना खोने का कोई तरीका है? फेनाइलेथैलामाइन जो सिर्फ 3 साल तक ही रहता है की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली तरीका है। वो एक सुंदर मन से सब कुछ देखना है। सुंदर मन से सभी चीजों को देखना केवल प्रेमी जोड़े के लिए ही जरूरी नहीं है। घर, स्कूल और कार्यस्थल पर भी अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जब हम एक दूसरे को सुंदर मन से देखते हैं तब प्रेम और विश्वास और भी मजबूत बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सुंदर चीज ही हमें सुंदर महसूस कराती है, बल्कि एक सुंदर मन रखना हमें सुंदर महसूस कराता है। जब हम एक दूसरे को ध्यान में रखकर एक दूसरे की गलतियों को सुंदर मन से ढकते हैं तब घृणा गायब हो जाता है और केवल प्रेम से हमारा मन भरा रहता है।